वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद के बीच चल रहे मतभेदों को दूर करने की पहल हो गई है। जी हां, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के निर्देश पर दोनों नेताओं ने पार्टी कार्यालय में मुलाकात की। दरअसल पिछले कई महीनों से रघुवंश प्रसाद ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए थे और इसी बाबत उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी लिखा था। दोनों नेताओं के खींचतान से पार्टी को चुनावी साल में काफी नुकसान हो रहा था। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया और लालू प्रसाद के हस्तक्षेप के बाद दोनों की मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रघुवंश प्रसाद को पार्टी का नेता बताया और उनके निर्देशों पर काम करने की बात कही। खंड के जो हमारे लोग हैं, जो अध्यक्ष चुने गए या वहाँ और जो सक्रिय महत्वपूर्ण, हर एक बूथ पर जाएंगे और वहाँ 11 से 21 व्यक्तियों की समिति बनाएंगे। ये इस माह के माने फरवरी के अंदर ये हो जाना है और वहाँ बूथ स्तरीय संघर्ष समिति बनाने के बाद बूथ स्तरीय संघर्ष समिति का दो काम होगा। एक काम होगा कि हरेक बूथ पर जो बूढ़ा बूढ़ी पेंशन जिनको नहीं मिला या अनाज नहीं मिला, रास्ता नहीं है उस गांव में, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, किसानों की समस्या या सरकारी योजनाओं को लागू करने में जहां कठिनाई है, जो वंचित लोग हैं, जिनका गृह विहीन है, गृह भूमि विहीन है, ये सभी लोगों की सूची बनाकर प्रखंड में कार्यालय में जमा करेंगे, सरकारी कार्यालय में ज्ञापन देंगे और उसके लिए धरना संघर्ष होगा। हो सकता है कि इतनी सारे बिंदुओं को देखने आए हों। आपसे तो भेंट मुलाकात हुई ना कमाल भाई, हमारी भेंट मुलाकात हुई और उन्होंने भेंट मुलाकात के बाद आपको बताया होगा, जब हमारे शीर्षस्थ नेता ने बता दिया भेंट मुलाकात की बातें, तब उसे मुझे क्या बताना है। कुछ कोई गिरभांसेज नहीं ना है जी, कोई गिरभांसेज नहीं ना है। किनका? आपको एक बात हमेशा ख्याल कर लीजिए, चर्चा खूब हुई लेकिन याद रख लीजिए, ये दल और पार्टी है और दल और पार्टी के कार्यक्रम को एक्सीलरेट करने के लिए कहना कि ग्रीवांसेस का पार्ट नहीं है, रिटेन वर्क का पार्ट है। आप लोग जो विवाद को तलाश रहे हैं, हमारे पूरी दल पार्टी में किसी स्तर पर कोई विवाद नहीं है। और खबर पर फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय कुमार, वरिष्ठ संवाददाता पटना से। अजय, एक बार फिर से रघुवंश प्रसाद फॉर्म में आ गए हैं? बहुत दिनों से जो एक तरह का है शीत युद्ध या वाक था, जिसके बारे में मीडिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जगदानंद बाबू जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आज उस डैमेज कंट्रोल को पार्टी करती हुई दिखी। जब रघुवंश बाबू खुद ही पहुंचे और जगदानंद बाबू से बात की उन्होंने और बाहर आकर के दोनों ने या कार्यालय के अंदर ही दोनों ने जो है अलग अलग ढंग से पीसी की और बताया कि पीसी कहेंगे, अब मीडिया से बात की और हम लोगों को बताया कि देखिए जो मांगे थी रघुवंश बाबू की वो पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने की, वो बात जगदानंद बाबू एग्री करते हैं उस बात से। और जगदानंद बाबू ने भी कहा कि ये मीडिया का बनाया हुआ हाइप था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, अगर कुछ बात है तो क्योंकि रघुवंश बाबू जो है वरिष्ठ नेता हैं और बड़े नेता हैं तो उनके बारे में इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकते और सब कोई पार्टी के काम में लगेंगे। जहां तक सवाल है इस बात का लेकर के क्या इस डैमेज कंट्रोल से राजद जो है उभर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव ने भी पहले कहा था कि जगदानंद बाबू और रघुवंश बाबू के बीच में जो बात है उसमें रघुवंश बाबू अगर कोई बात उठा रहे हैं तो उस बात को पार्टी सुनेगी, समझेगी, वो पार्टी के हित में बात कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, जो आज इस डैमेज कंट्रोल वाले एपिसोड से दिख रही है। जी आदर्श, अजय रघुवंश प्रसाद लालू यादव के करीबी भी माने जाते हैं और ऐसे में अब किन मुद्दों पर दोनों के बीच में ये जो खींचतान चल रही थी वो किन मुद्दों पर थी और क्या अब ये मान लिया जाए कि आरजेडी में रघुवंश प्रसाद और जगदानंद सिंह के बीच में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, आज की बात से ये लगता है, देखिए हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जब मीडिया में ये बात रघुवंश प्रसाद सिंह और जो है जगदानंद बाबू के बीच में जो बातें चल रही थी उस मीडिया में जब इसका पूरा जब एक तरह से कहें छींचा लेदर हो रहा था तो पार्टी के अंदर जो है बातचीत हुई थी इसको लेकर के, लालू यादव ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को इंस्ट्रक्ट किया था कि किसी तरह से इसको डैमेज कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रघुवंश बाबू वरिष्ठ नेता हैं, राजद के पुराने नेता रह चुके हैं और जगदानंद बाबू भी है, दोनों एक दूसरे दूसरे पे अगर कीचड़ उछालेंगे तो इससे पार्टी का भला नहीं होगा।
जाहिर सी बात है कि जो जगदानंद बाबू से शिकायत रघुवंश बाबू का वो ये था कि हमारे जैसे लोगों को इग्नोर कर रहे हैं और पार्टी का जो बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं का या बाकी सब चीजों का जो संगठन होना चाहिए वो उस तरह से नहीं बन पा रहा था या नहीं बन पा रहा था, जिसको लेकर के रघुवंश बाबू मुख्य रूप से इस बात को लेकर के जगदानंद बाबू पर बोल रहे थे। तो अब जब जगदानंद जी सिंह ने जो है इस बात को मान लिया है कि इस बात को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं के संगठन को मजबूत करना है तो जाहिर सी बात है रघुवंश बाबू का जो मुख्य उद्देश्य था पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने वाला, ये इशू खत्म हो जाता है। लेकिन एक इशू बचा रह जाता है कि देखिए कुछ और भी बातें आ रही थी कि रघुवंश बाबू को दरकिनार कर दिया गया है, बाकी चीजों में उनकी सलाह नहीं ली जाती है, या रघुवंश बाबू इतने वरिष्ठ नेता होने के बावजूद जगदानंद सिंह के सामने जो है अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है अंदर खाने की बात है और जाहिर सी बात है जो पार्टी लीडरशिप है जो अभी तेजस्वी यादव जिसके सामने मुखौटे के रूप में है वो इस बात को नोटिस कर रहा था और जल्दी से इस डेमेंट कंट्रोल को करने की कोशिश में लगा था, जिसकी कवायद आज थी रघुवंश बाबू वहां पहुंचे, तो कोशिश है कि डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। जी जी अजय, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है दोनों के बीच में, तो इस मुलाकात में और क्या क्या चर्चा हुई और क्या आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है इस मुलाकात में? बिल्कुल, सबसे पहला जो मैंने बताया कि मुख्य मुद्दा जो था वो पार्टी का बूथ स्तर पे जो संगठन है उसको मजबूत करने की बात हुई थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाने की बात हुई थी, जिसमें ये जो पुराने लोग हैं या जो गुटबाजी ना हो जिसकी वजह से लोग ये फील करें कि हम जगदानंद सिंह के गुट के नहीं है, हम रघुवंश बाबू के गुट के नहीं है, ये सब फीलिंग नहीं आनी चाहिए। बस रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को ये फील नहीं होना चाहिए कि जगदानंद बाबू के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से वो जो है इग्नोर फील कर रहे हैं या हाशिए पे चले जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे हुई, सारे मुद्दे पे तो बात करने के लिए वो तैयार नहीं थे कि हाँ और क्या। इस मुलाकात से क्या महागठबंधन को लेकर भी कुछ निकल कर सामने आया, क्योंकि महागठबंधन में भी कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा पिछले कई दिनों से? जी बिल्कुल, अगर महागठबंधन की बात करें तो सबसे पहले तो राजद का अपना ही कुनबा जो है कल एक इशू को लेकर के जो बना था कि पीके को पार्टी में वेलकम करना है, उसको लेकर के जगदानंद सिंह और जो है तेज प्रताप यादव के बीच में जो एक तरह से विरोधाभास वाले बयान आए थे वो, उसके अलावा दूसरा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये भी कहा था कि अगर नीतीश बाबू अगर उधर एनडीए से नाता तोड़े तो हम उनसे जो है जुड़ सकते हैं या उनको जोड़ने के लिए हम पार्टी में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में रिफ्ट की बात या दरार की बात आई थी कि नीतीश बाबू को पार्टी में लाने के खिलाफ में महागठबंधन में लाने के खिलाफ में थे, एक इशू। दूसरा ये इशू है कि जो महागठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं जैसे आप देख लेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बहुत सारे प्रोग्राम्स में राजद का बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इसके अलावा जो वीआईपी है मांझी अपने आप को जो है मतलब अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीटों के समय हो, इन सब बात पे विस्तृत चर्चा तो नहीं हुई लेकिन हिंट के रूप में या यूं कहें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पर चर्चा हुई है लेकिन इशारों में ही है और ये कहा गया कि पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि उस समय महागठबंधन में किसको क्या मिलना चाहिए और किस तरह से महागठबंधन स्वरूप लेगा। जी आदर्श जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।